हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ग्रेविटी क्लासेस। आज हम लोग कैलोरीमेट्री चैप्टर को देखने वाले हैं। ये चैप्टर जैसा कि आपको मालूम है कि आपके सेमेस्टर 2 एग्ज़ाम में आने वाला है, और यही एक इकलौता चैप्टर है फिजिक्स के जितने भी चैप्टर्स आ रहे हैं उनमें से, जिसमें से कोई भी पोर्शन आपका रिड्यूस नहीं किया गया है, कुछ भी कट नहीं है, पूरा का पूरा चैप्टर आ रहा है। तो हम आज इस चैप्टर को बहुत इंटरेस्टिंग वे में रिवाइज़ करने वाले हैं, यानी कि हम इसको इसकी सारी थ्योरी को क्वेश्चंस के थ्रू रिवाइज़ करेंगे, और वो भी सारे जो क्वेश्चंस सेलिना बुक में दे रखे हैं आपकी, उन सारे क्वेश्चंस को देखेंगे। थ्योरेटिकल क्वेश्चंस के थ्रू आपकी थ्योरी रिवाइज़ हो जाएगी पूरी, और फिर इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है चैप्टर का, दैट इज़ न्यूमेरिकल पार्ट, उसको भी रिवाइज़ करेंगे। और जो भी न्यूमेरिकल यहाँ से आने वाले हैं, वो आप इस लेक्चर को देखने के बाद, आई एम श्योर कि आप कितने भी वीक क्यों ना हो, हीट चैप्टर से कितना भी डर आपको क्यों ना लगता हो, अब आपसे ईच एंड एवरी न्यूमेरिकल आप इसका यू विल बी एबल टू सॉल्व। ठीक है, तो इस चैप्टर को ध्यान से देखिए, ये वन शॉट वीडियो है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको और कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपका हीट पूरा क्लियर हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, डिफाइन द टर्म हीट। हीट होता क्या है? जैसे ही हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है हीट क्या है, तो हमारे फौरन आंसर ये आएगा कि हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, हीट एनर्जी है। हीट को हम कैसे डिफाइन करते हैं, हम कैसे मेजर करते हैं उसको? ठीक है, कैसे पता चलता है कि कहीं पे हीट है, कहीं पे हीट कम है, ज़्यादा है? ठीक है, हीट ट्रांसफ़र क्या होता है? बेसिकली क्या है, जब दो बॉडीज़ को आपस में कनेक्ट किया जाता है, यानी कोई बॉडी ले लेते हैं हम, कोई भी एक बॉडी है ए, एक दूसरी बॉडी है बी। ठीक है, अब इन दोनों बॉडीज़ को अगर आपस में कनेक्ट किया जा रहा है, तो उन बॉडी में अगर इनके बीच में हीट का ट्रांसफ़र टेक प्लेस करता है, यानी एक बॉडी से दूसरी बॉडी में अगर हीट ट्रांसफ़र हो रही है, तो हम फिर हीट को मेजर कर पाते हैं कि अच्छा हीट कितनी ट्रांसफ़र हो रही है। अच्छा, हीट ट्रांसफ़र डिपेंड किस पे करता है, यानी ए और बी अगर आपने दो बॉडीज़ ली और दोनों को कनेक्ट कर दिया आपस में, तो उनके बीच अगर हीट का ट्रांसफ़र होना है, तो वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा? कौन सी ऐसी चीज़ है जो डिटरमाइन करेगी कि वहाँ पे हीट का ट्रांसफ़र होना चाहिए? तो वो चीज़ है आपकी टेम्परेचर। यानी अगर एक बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा है, दूसरी बॉडी का टेम्परेचर कम है, तो ज़्यादा से कम की तरफ हीट ट्रांसफ़र होगी। यानी जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है, इसका मतलब वहाँ पे हीट एनर्जी ज़्यादा है, तो वो ज़्यादा हीट एनर्जी से कम हीट एनर्जी की तरफ जो हीट है वो ट्रांसफ़र होगी। तो इसमें इस तरह से आप कैलकुलेट कर पाते हैं कि भाई कितना अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफ़र हुआ। ठीक है, तो हीट ट्रांसफ़र के लिए कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है? वो है टेम्परेचर। वो हमें बताता है कि बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा है, दो बॉडीज़ में से जिसका टेम्परेचर ज़्यादा है वहाँ से हीट कम वाले की तरफ ट्रांसफ़र होगी। तो हीट एक एनर्जी है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी जो कि हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में जाती है, यानी ये हॉट बॉडी कहलाएगी आपकी जिसका टेम्परेचर ज़्यादा है, और ये कंपैरेटिवली कोल्ड बॉडी कहलाएगी दोनों में। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेम द SI यूनिट ऑफ हीट। ठीक है, अब हीट आप मेजर कर रहे हैं, तो किस में मेजर कर रहे होंगे, यानी कोई ना कोई आपकी यूनिट होनी चाहिए जिसमें आप मेजर करते हैं। तो हीट को हम लोग किस में मेजर करते हैं? जूल में मेजर करते हैं। ठीक है, बहुत आसान है, सबको पता है। नेक्स्ट है, डिफाइन द टर्म कैलोरी, हाउ इज़ इट रिलेटेड टू जूल। ठीक है, कैलोरी जूल से कैसे रिलेटेड है? देखिए, हीट को दो तरह की यूनिट्स हैं, दोनों तरह की यूनिट्स में हीट को मेजर किया जाता है, कैलोरी में भी और जूल में भी। ठीक है, एनर्जी कह सकते हैं, बेसिकली एनर्जी की दो तरह की यूनिट्स हैं, तो हीट भी एक तरह की एनर्जी है। तो हीट को बेसिकली हम लोग जूल में जनरली मेजर करते हैं, लेकिन उसका कैलोरी से इंटर कन्वर्जन भी पूछ लिया जाता है कि हीट का कैलोरी में आप कन्वर्ट करें तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, क्या दोनों के बीच में रिलेशन एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो वन कैलोरी ऑफ हीट होती क्या है, उसको कैसे हम डिफाइन करेंगे, वन कैलोरी ऑफ हीट क्या है? वन कैलोरी ऑफ हीट अगर आप किसी सब्सटेंस का, जैसे कि अगर वाटर ही है, वाटर का अगर हम एक ग्राम ले लें, एक ग्राम वाटर का टेम्परेचर अगर हम एक पर्टिकुलर टेम्परेचर हमने ले लिया है, मार्क कर लिया, क्योंकि वाटर के बारे में आप सब जानते हैं कि वो एनोमलस बिहेवियर दिखाता है वाटर। ठीक है, 4 डिग्री पे पहुंचने पर आपको पता चलता है कि 4 डिग्री पे वाटर जो है वो मैक्सिमम डेंसिटी के साथ एग्जिस्ट करता है। तो जब भी कभी डेंसिटी ली जाती है वाटर की, इसीलिए 4 डिग्री पे ली जाती है, तो वाटर का बिहेवियर फ्लक्चुएट ज़्यादा करता है। तो हमने एक सर्टेन टेम्परेचर वाटर का ले लिया कि भाई 14.5 से 15.5 तक जाने में वाटर को अगर आप इतना गर्म कर रहे हैं, यानी 14.5 पे आपने वाटर को ले लिया और उसको हीट किया, कहाँ तक ले गए हमने, कब तक हीट किया, जब तक उसका टेम्परेचर कितना नहीं हो गया, 15.5, यानी 1 डिग्री का राइज उसके अंदर आ जाए 14.5 से, तो फिर हम ये कहते हैं कि कितनी अमाउंट ऑफ हीट देनी पड़ी होगी आपको ऐसा करने में, है ना भाई, कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ हीट देनी पड़ी होगी, तभी उसका टेम्परेचर 14.5 से 15.5 तक पहुंच गया। और कितना लिया हमने ऐसा करने में, वाटर की कितनी क्वांटिटी ली है, 1 ग्राम ऑफ वाटर लिया है हमने।
तो ये एक पर्टिकुलर टेम्परेचर क्यों लिया गया है? ऐसा टेम्परेचर सेलेक्ट किया गया है जहाँ पे वाटर का बिहेवियर नॉर्मल रहे, यानी वो एनोमलस जो वाटर का बिहेवियर रहता है, वो अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर है, जो अनसर्टेन बिहेवियर रहता है, वो बिहेवियर यहाँ पे इस टेम्परेचर पे हमें देखने को नहीं मिला। तो हमने इसी को पकड़ के डेफिनेशन बना दी गई कि भाई 14.5 से 15.5 तक वाटर का टेम्परेचर रेज करने में आप जितनी अमाउंट ऑफ हीट आपको देनी पड़ती है एक ग्राम पानी को, एक ग्राम ऑफ वाटर को, वो हम बोलते हैं एक कैलोरी। ठीक है, तो ये जो डेफिनेशन हो गई। अच्छा, रिलेशन क्या है? रिलेशन होता है 1 कैलोरी विल बी इक्वल टू 4.186 जूल, जिसको आप 4.2 जूल भी बोल सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन 1 किलो कैलोरी। अब कुछ भी नहीं है, वो 1 कैलोरी था, 1 किलो की बात हो रही है। तो 1 किलो कैलोरी कब देनी पड़ेगी आपको? जब 1 ग्राम पानी की जगह आप 1 किलोग्राम पानी ले लें, है ना, 1000 मल्टीप्लाई कर देना है सिर्फ आपको। तो किलो का रिलेशन जो होगा कैलोरी और किलो कैलोरी के बीच में भी 1000 की रिलेशन है, वही रिलेशन जो 1 ग्राम से 1 kg के बीच में एग्जिस्ट करता है। तो 1 कैलोरी हीट तब देनी पड़ रही थी जब 1 ग्राम वाटर कंसर्न था। अगर 1000 कैलोरी या बोल सकते हैं 1 किलो कैलोरी अगर आपको देनी है, तो फिर वहाँ पे 1 किलोग्राम पानी कंसर्न होगा। ठीक है, उसको अगर आप 1 डिग्री बढ़ाना चाहते हैं उसका टेम्परेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन द टेम्परेचर एंड नेम इट्स एसआई यूनिट। बहुत आसान है, टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर ही वो क्वांटिटी है जो डिटरमाइन करती है कि हीट किस बॉडी से किस बॉडी में फ्लो होगी। जैसे कि अभी हमने पीछे देखा, यानी जिस बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा है वहाँ से कम वाले की तरफ हीट फ्लो होगी जिसका टेम्परेचर कम है, और इसको हम लोग केल्विन में मेजर करते हैं। आप सब अच्छी तरह से जानते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, देखिए यहाँ पे हीट और टेम्परेचर के बीच में डिफरेंस बताया जा रहा है कि हीट और टेम्परेचर के बीच में क्या डिफरेंस है। हीट एक तरह की इंटरनल एनर्जी होती है, यानी कोई भी सब्सटेंस के अंदर जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं उन मॉलिक्यूल्स में जो रैंडम मोशन है और उनके बीच में जो बॉन्डिंग एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है, उन सब का अगर आप सम निकालें, यानी टोटल दो तरह की एनर्जी है अंदर, आपकी पोटेंशियल एनर्जी है जो बॉन्डिंग की वजह से एग्जिस्ट कर रही है, और रैंडम मोशन की वजह से एक काइनेटिक एनर्जी पाई जाती है। तो इन दोनों तरह की एनर्जी का अगर आप सम करते हैं सारे मॉलिक्यूल्स की, तो वो आपको दे देगी हीट दे देगी। ठीक है, टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर ऑन द अदर हैंड सिर्फ और सिर्फ कंसर्न होता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल, यानी मॉलिक्यूल के पास कितनी काइनेटिक एनर्जी है, उस सारी काइनेटिक एनर्जी का भी आपको सम नहीं निकालना है, एवरेज निकाल लेना है। यानी एक पर्टिकुलर सब्सटेंस के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके पास दो तरह की एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू द बॉन्डिंग ऑफ द बॉन्डिंग उनके बीच में जो एग्जिस्ट कर रही है उसकी वजह से, एंड द काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू द रैंडम मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स। तो जो पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है, वो तो आपकी पर्टिकुलर पोजीशन जो एक्वायर कर रखी है बॉन्डिंग की वजह से उसकी वजह से है, रैंडम मोशन की वजह से जो एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी है। अच्छा, सारी हर मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जीज का अगर हम एवरेज निकाल दें तो वो टेम्परेचर है, और सबका सम निकाल दें अगर हम काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, हर एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक प्लस पोटेंशियल को सम करते चले जाएं, दैट विल गिव अस हीट एनर्जी, टोटल हीट एनर्जी जो भी होगी। ठीक है, एसआई यूनिट आपको पता है कि जूल है और ये आपकी केल्विन होती है। ठीक है, अच्छा और क्या डिफरेंस हो सकता है? अमाउंट ऑफ हीट कंटेंट इन द बॉडी किस किस बात पे डिपेंड करती है? तो मास पे भी डिपेंड करेगी, यानी बॉडी का मास कितना है, ठीक है, टेम्परेचर कितना है बॉडी का, ठीक है, और पूरी मतलब जितना बॉडी के अंदर सब्सटेंस भरा हुआ है उस सब पे डिपेंड करेगी। ठीक है, यानी टेम्परेचर एंड द सब्सटेंस ऑफ द बॉडी, यानी किससे मिलकर बनी है बॉडी का, मतलब एक्चुअल में जो कॉम्पोजिशन है वो क्या है, वो उस वो ओरिजिनली कॉपर की है, मतलब किस किस मटेरियल की बनी है, इस पर भी डिपेंड करेगा। अगला ये है कि जो टेम्परेचर है वो किस पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर बॉडी का काइनेटिक एनर्जी भी हमने बताया आपको, एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर। ठीक है, सारे मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जीज का एवरेज निकालिए, दैट विल गिव यू द मेजर ऑफ टेम्परेचर। हीट क्या है, हीट को मेजर कैसे करते हैं, है ना, टेम्परेचर को तो थर्मोमीटर से मेजर करते हैं हम सब जानते हैं, हीट को कैसे मेजर करते हैं? तो हीट को हम प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री से, कैलोरीमेट्री का मतलब यही है कि हम इस चैप्टर में यही पढ़ने वाले हैं कि हम हीट को कैसे मेजर करते हैं। ठीक है, तो इसको हम उसको मेजर करने का एक प्रिंसिपल है, विच इज प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, विच इज नथिंग बट हीट विल फ्लो फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, यानी और उसमें भी आगे आ जाता है कि कितना अमाउंट में हीट फ्लो हुई है। तो जितना अमाउंट हीट हॉट बॉडी ने लूज किया होगा, सेम अमाउंट ऑफ हीट जो कोल्ड बॉडी है उसने गेन किया होगा। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल है जिस बेसिस पे हम हीट को कैलकुलेट करते हैं। टेम्परेचर जैसे हमने बताया थर्मामीटर की बेस से कैलकुलेट किया जाता है। अच्छा, दो बॉडीज अगर उनके पास सेम अमाउंट ऑफ हीट है तो हो सकता है उनके पास टेम्परेचर उनका अलग अलग हो फिर भी, यानी दो बॉडीज हैं और उनके उनका आपने हीट का कैलकुलेशन किया तो दोनों की हीट सेम निकल के आई। ठीक है, सेम हीट निकल के आई, फिर भी हो सकता है दोनों का टेम्परेचर अलग अलग हो, क्योंकि टेम्परेचर तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर डिपेंड कर रहा है, जबकि दोनों की हीट एनर्जी डिपेंड कर रही है कि उनके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके पास जो काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी है उन सब का सम निकाल दीजिए आप,
तो वो सम तो सेम हो सकता है, लेकिन हो सकता है उसके बाद भी दोनों की अगर हम सिर्फ काइनेटिक एनर्जी को लेकर उनका एवरेज निकालें तो हो सकता है वो अलग अलग आए, तो बिल्कुल पॉसिबल है। और वाइस वर्सा भी पॉसिबल है कि हो सकता है दो बॉडीज का टेम्परेचर सेम हो लेकिन हो सकता है उनके अंदर का जो आपका टोटल हीट एनर्जी है वो अलग अलग हो। जैसे कि इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि आपने एक पूरा बकेट वाटर का लिया, उसको गर्म किया, उसको आपने गर्म किया सपोज करिए 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया। अच्छा, उस बकेट को जब आपने गर्म किया, 100 उसका टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस, उसमें से आपने एक मग वाटर निकाल लिया, एक मग वाटर निकाल के अलग रख दिया। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए उस एक मग वाटर का टेम्परेचर कितना होगा, तो वो भी 100 डिग्री सेल्सियस होगा, लेकिन क्या उस एक मग वाटर में जो टोटल हीट है वो सेम होगी जितनी की पूरी बकेट में है? नहीं होगी। तो क्या समझ में आया कि वो दो बॉडीज का अगर टेम्परेचर सेम है तो जरूरी नहीं है उनकी हीट एनर्जी भी सेम हो, टोटल हीट एनर्जी, क्योंकि वो सम पे डिपेंड कर रही है और टेम्परेचर सिर्फ एवरेज पे डिपेंड कर रहा है, एवरेज सेम आ सकता है, ठीक है, इसकी पॉसिबिलिटी है। अगले डिफरेंस पे चलते हैं हम लोग। अगला डिफरेंस क्या है, व्हेन टू बॉडीज आर प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट द टोटल अमाउंट ऑफ हीट इज इक्वल टू द सम ऑफ हीट ऑफ इंडिविजुअल बॉडी। भाई हमने जो आपको एक्सप्लेन किया टोटल अमाउंट ऑफ हीट निकालनी है तो हर एक इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स के पास कितनी काइनेटिक और पोटेंशियल है उन सब का सम निकाल दीजिए आप। टेम्परेचर में क्या होगा ऑन द अदर हैंड कि अगर दो बॉडीज डिफरेंट टेम्परेचर पर हैं और उनको अगर आपने कॉन्टैक्ट में रख दिया है, मतलब उनके बीच में किसी तरह का कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश कर दिया है आपने, तो रिजल्टेंट टेम्परेचर जो होगा, यानी दो बॉडीज आपने ले ली है, एक ए है एक बी है, ठीक है, दोनों बॉडीज को अलग अलग टेम्परेचर पर हैं, ठीक है, मान लेते हैं दोनों बॉडीज अलग अलग टेम्परेचर पर हैं। अच्छा, अब उनको आपने मिक्स किया आपस में या उनको कनेक्ट कर दिया, तो जो फाइनल टेम्परेचर आएगा दोनों बॉडीज को मिक्स होने के बाद भी, तो वो फाइनल टेम्परेचर उन दोनों से अलग होगा। ये बताने की कोशिश हो रही है, जैसे कैसे समझिए कि ए बॉडी है कोई, ठीक है, वो है 50 डिग्री पे, और एक बी बॉडी है जो कि है 40 डिग्री पे, इन दोनों को मिक्स करके एक सी बॉडी बन गई जब आपने मिक्स किया, तो इस सी का टेम्परेचर इस 50 और 40 के बीच में लाए करेगा। ये है मॉरल ऑफ द स्टोरी, ये लास्ट वाले पॉइंट की, ठीक है, तो ये इसके बीच में लाई करेगा। और इस तरह के न्यूमेरिकल भी हम आगे सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है, कैलोरीमेट्री में जो न्यूमेरिकल है मेनली वो यही है कि उन्होंने एक बॉडी ले ली, एक वाटर को ले लिया 40 पे, एक दूसरा कोई सब्सटेंस ले लिया वो 50 पे है, अब दोनों को मिक्स किया, तो फिर वहीं पे हम इस तरह के न्यूमेरिकल लगाते हैं कि भाई जितना हॉट बॉडी ने लूज किया होगा विल बी इक्वल टू द गेन इन द कोल्ड बॉडी, तो उस वहां से फिर हमें जो चीज़ें निकालनी होती है, तो वो इसी प्रिंसिपल पे है। आगे चलते हैं, कैलोरीमेट्री को डिफाइन करिए क्या है, वही हीट को मेजर करना, दैट इज कॉल्ड कैलोरीमेट्री, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, डिफाइन द टर्म हीट कैपेसिटी एंड स्टेट इट्स एसआई यूनिट। हीट कैपेसिटी का मतलब क्या है, देखिए हीट कैपेसिटी का मतलब ये है कि जैसे अगर हमने आपको कोई बॉडी दे दी, ठीक है, दो बॉडीज ले लेते हैं हम यहाँ पे, एक है आपका कॉपर सपोज करते हैं, एक है आपका कॉपर और दूसरा ले लेते हैं वाटर, ठीक है, दूसरा वाटर ले लेते हैं। अब मान लेते हैं एक एक ग्राम लेते हैं दोनों का, 1 ग्राम, ठीक है, ये भी 1 ग्राम लेते हैं। अब आपने इनको हीट करना शुरू किया, इन दोनों को अमाउंट ऑफ हीट देनी शुरू की। अब कॉपर को जब आप हीट दे रहे हैं तो कॉपर को 1 डिग्री का राइज दिखाने में, यानी कॉपर पहले किसी भी टेम्परेचर पे एग्जिस्ट कर रहा होगा, मान लेते हैं 10 डिग्री पे एग्जिस्ट कर रहा था, आपने जब उसको हीट दी तो कॉपर 11 डिग्री पे पहुंच गया। 1 डिग्री का राइज जैसे ही कॉपर में हुआ तो आपने नोट किया कि हमने आखिर कितनी हीट दी है, इस 1 डिग्री का राइज लाने में इसको कितनी हीट की जरूरत पड़ी, तो आपने देखा कि वो हीट आ रही थी समवॉट 390 जूल, 390 जूल की हीट इसको चाहिए, 390 नहीं बल्कि 3. ये आ जाएगा मुझे लगता है, अगर हम 1 kg कॉपर ले लें तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ये ठीक है 1 ग्राम ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब हमने देखा तो ये जो हीट आ रही थी वो थी 0.39 जूल, 1 डिग्री का राइज के लिए इतनी हीट चाहिए थी कॉपर को। अच्छा, ऑन द अदर हैंड जब वाटर को हमने देखा कि वाटर के अंदर जब 1 डिग्री का राइज आया, यानी मान लेते हैं 10 डिग्री पे था और 11 पे पहुंचा, तो वाटर ने तब तक 4.2 जूल हीट एब्जॉर्ब कर ली थी। तो इससे क्या समझ में आया कि जो कॉपर है उसको अपने अपने अंदर 1 डिग्री का राइज दिखाने के लिए बहुत बहुत कम हीट की ज़रूरत होती है इन कंपैरिजन टू वाटर। वाटर से देखा जाए तो 10 गुना कम, उससे भी ज़्यादा, ठीक है, उतना कम हीट में ही कॉपर आपको 1 डिग्री का राइज दिखा देगा, जबकि वाटर को बहुत ज़्यादा हीट चाहिए। इसको बोलते हैं हीट कैपेसिटी, यानी इस तरह समझ सकते हैं उसका पेट जल्दी नहीं भरता है, किसका, वाटर का, वाटर को हीट देते रहिए, यानी ना वाटर जल्दी गर्म होता है और ना ही ठंडा होगा, क्योंकि जितनी ज़्यादा हीट वो ले चुका है अब उसको रिलीज करेगा तभी ठंडा होगा, तो रिलीज करने में भी उसको टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है। तो ये इतनी हीट उसको रिलीज करनी पड़ेगी अगर वो ठंडा होना चाहता है, 1 डिग्री का ड्रॉप अगर दिखाना चाहता है वो, तो ये हीट कैपेसिटी। इसको बोलते हैं कि कोई भी सब्सटेंस अपने अंदर 1 डिग्री या 1 केल्विन का राइज
लाना चाहता है या दिखाना चाहता है तो उसके लिए उसको कितनी हीट चाहिए होगी, ठीक है। अगर वो आप बढ़ा रहे हैं टेम्परेचर तो हीट अब्जॉर्ब कहलाएगी, यानी कितनी हीट अब्जॉर्ब करेगा। तो वो जो कॉपर है उसको बहुत कम हीट चाहिए होती है, इसीलिए हम कहते हैं कि कॉपर की हीट कैपेसिटी काफ़ी कम है। उसका रीज़न है फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जो कंडक्शन का काम करते हैं, बहुत जल्दी आप एक से दूसरे मॉलिक्यूल्स तक हीट ट्रांसफर हो जाती, तो वाटर का वो कॉपर का जो सरफेस टेम्परेचर है वो जल्दी बढ़ जाएगा, जबकि वाटर टाइम लेगा। तो वाटर की हीट कैपेसिटी काफ़ी कम होती है कॉपर के कंपैरिजन में। तो हीट कैपेसिटी ये है कि अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर बाई 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन, ठीक है। तो ये 1 ग्राम के लिए हमने लिया था, अभी 1 केजी के लिए जाएंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। 1 केजी में देखेंगे जाके अगर आप इसी को, तो 1 केजी के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस विल गिव अस 390 जूल। और वहीं पे वाटर की कितनी आ जाएगी आपकी, वाटर की मिलेगी आपको 4200 जूल, यानी 1 केजी का, अगर 1 केजी वाटर है और उसके अंदर अगर आप 1 डिग्री का राइज लाना चाहते हैं तो आपको यू हैव टू गिव दिस मच अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी। तो हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इज मच मच लार्जर देन हीट कैपेसिटी ऑफ कॉपर। तो हीट कैपेसिटी की जो यूनिट है वो क्या आएगी आपके लिए, वो होती है जूल पर केल्विन, यानी 1 केल्विन का राइज दिखाने के लिए आपको कितना जूल एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है। डिफाइन द टर्म स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड स्टेट इट्स एसआई यूनिट। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है, देखिए हीट कैपेसिटी हमने देखी, तो हीट कैपेसिटी पूरे सब्सटेंस के लिए थी, अगर हम उसको छोटा कर दें, 1 ग्राम के लिए अगर मेजर करने लगें तो, या पर केजी के लिए, यानी मान लीजिए कोई सब्सटेंस है वो 10 केजी का है, अब 10 केजी की जब बात कर रहे हैं आप, तो वहाँ पे अगर हम बोलें कि 10 केजी का टेम्परेचर 1 डिग्री राइज लाने के लिए, 10 केजी सब्सटेंस है उसके टेम्परेचर में 1 डिग्री का राइज लाने के लिए आपको कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, तो वो एनर्जी जो होगी वो हीट कैपेसिटी कहलाएगी, ठीक है। लेकिन अगर यहीं पे हम क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दें, हम आपसे बोलें कि आपको कितनी हीट एनर्जी देनी पड़ेगी अगर इस सब्सटेंस का सिर्फ 1 केजी को आपको बढ़ाना हो, 1 केजी सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री का राइज लाना हो, तो आपको कितनी हीट देनी पड़ेगी, तो वो हीट हीट कैपेसिटी नहीं कहलाएगी, उसको बोलेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है। तो स्पेसिफिक हम हो गए ना, हम एक पर्टिकुलर मास से कंसर्न्ड हो गए हैं, तो किसी पर्टिकुलर मास के लिए 1 ग्राम हो सकता है, वो 1 केजी हो सकता है, तो हमने नया नाम दे दिया हीट कैपेसिटी को, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, जहां पे मास इन्वॉल्व हो गया है, आकर पर्टिकुलर मास के लिए हम बात कर रहे हैं, न कि होल सब्सटेंस की बात हो रही है, ठीक है। बाकी सब कुछ सेम रहेगा, अब जब पर्टिकुलर मास आ गया है यहाँ पे, तो देखिए आपको हीट एनर्जी जो गिवन है उसका फॉर्मूला क्या होता है, बहुत फेमस है, क्यू इज इक्वल टू, यहाँ पे किस पे डिपेंड कर रही थी वो, एक तो इस बात पे डिपेंड कर रही थी कि टेम्परेचर में चेंज कितना आ रहा है, यानी डेल्टा टी पे डिपेंड कर रही थी, दूसरा इस बात पे डिपेंड हो रहा था कि उसी को हीट कैपेसिटी बोल रहे थे हम लोग, यानी यहाँ पे देखिए कि हीट कैपेसिटी कैसे आ रही थी, बहुत आसान है कि हीट एनर्जी आप दे रहे हैं और उसके रेस्पेक्ट में हो क्या रहा है, टेम्परेचर में चेंज हो रहा है, इसी को हमने नया नाम दिया था हीट कैपेसिटी, जिसको हम सी से लिख रहे थे, तो ये फॉर्मूला बन के आया था हमारे पास, क्यू अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी सिर्फ 2 चीज़ पर डिपेंड कर रही है, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी कितनी दी जा रही है और कितना टेम्परेचर में चेंज आ रहा है। अच्छा यहां पे आ जाइए, यहां पे भी हीट एनर्जी जब आप दे रहे हैं तो टेम्परेचर में चेंज आ रहा है, लेकिन यहां पे एक और नया सब्सटेंस भी ऐड हो गया है, और वो है मास आपका, तो यहां पे हम एम भी लिख लेंगे, तो अब जो निकल के आएगा टर्म हमारे पास उसको हम स्मॉल सी से लिख लेते हैं, सी डैश से बोल देते हैं, इसको हम हीट कैपेसिटी नहीं बोलेंगे अगर मास इन्वॉल्व है, इसका दूसरा नाम है, इसको हम बोलेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है। बात एक ही है, अच्छे से आप समझ गए होंगे, कॉन्सेप्चुअली क्लियर रहेंगे तो कोई बहुत अलग अलग चीज़ें नहीं है, ठीक है। बस मास आ जाएगा तो आप उसको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोलेंगे, क्वेश्चन में भी आपको उसी नाम से दी रहेगी कि वो पर ग्राम है, एक पर्टिकुलर मास से कंसर्न है, 1 ग्राम हो सकता है वो 1 केजी हो सकता है, अगर 1 ग्राम 1 केजी से मतलब नहीं है तो फिर वो सिंपल हीट कैपेसिटी होगी, जो कि क्यू अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू सी हो जाएगा। इसी फॉर्मूले को आप मॉडिफाई करके इस तरह भी लिख सकते हैं कि एम सी डेल्टा टी, आपने बहुत फेमसली पढ़ा होगा, क्यू इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, अगला है हाउ इज हीट कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी रिलेटेड टू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। हीट कैपेसिटी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी से कैसे रिलेटेड है, बहुत आसान है, देखिए आपको पता था कि Q अपॉन डेल्टा T तो दोनों जगह कॉमन है, ये आपकी कैपिटल C हो गया, और अगर इसी को हम लिखें कि Q अपॉन M आ गया यहाँ पे, डेल्टा T इज इक्वल टू ये हो गया C डैश, तो अब यहाँ पे देख लीजिए आप Q अपॉन डेल्टा T की जगह हम ये रख सकते हैं, तो यहाँ पे रख देते हैं, तो जब इसको आप रखेंगे तो ये आ जाएगा आपका सी अपॉन एम इज इक्वल टू स्मॉल सी डैश, तो ये क्या दे देगा आपको, ये दे देगा, ये सी डैश क्या है, सी डैश है आपकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तो जब आप कैपिटल सी को इस तरह लिख सकते हैं सी डैश इंटू स्मॉल एम, यानी हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मल्टीप्लाइड बाय द मास ऑफ द सब्सटेंस, ठीक है, बहुत आसान है। आगे चलते हैं हम लोग,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट थ्री डिफरेंसेस बिटवीन द हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द सब्सटेंस। बहुत आसान है, हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में पहला जो डिफरेंस है वो यही है कि वो एंटायर बॉडी से रिलेटेड होता है, यानी एंटायर बॉडी का मास एक डिग्री सेल्सियस आपको बढ़ाना है। यहाँ पर क्या है कि एक यूनिट मास का, यूनिट मास वो एक ग्राम हो सकता है, एक केजी हो सकता है, कोई भी हो सकता है जो भी गिवन हो, उसका बढ़ाने के लिए जितनी हीट चाहिए होती है। ये क्या होती है, ये सब्सटेंस पे डिपेंड करती है और मास पे डिपेंड करती है, ठीक है। इधर क्या है, ये आपके मास ऑफ द बॉडी पे डिपेंड करती है, ठीक है। लेकिन ये क्या है, ये सब्सटेंस की कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी भी होती है, ठीक है। लेकिन मास पे इट डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द बॉडी, यानी पूरे मास पे तो डिपेंड नहीं कर रही ना, वो जितने मास से कंसर्न है सिर्फ उसी पे डिपेंड कर रही है, ठीक है। लेकिन ये बॉडी की कैरेक्टरिस्टिक को दिखाती है कहीं ना कहीं, कि बॉडी की हीट कैपेसिटी कितनी है, वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी से भी पता चल जाता है। हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या है हम सब जानते हैं, अभी हमने पीछे लिखा भी था, सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये आपका एम ऐड हो जाएगा, खाली है एम और ऐड हो जाएगा और ये आपका फॉर्मूला आ जाएगा, अभी हम पीछे देख चुके हैं हम लोग। यूनिट ध्यान रखिएगा, यूनिट पूछ ली जाती है, इसकी यूनिट है जूल पर केल्विन। कहाँ से आई जूल पर केल्विन, ये देखिए हीट की, हीट जो है उसकी यूनिट जूल हो जाएगी और आप जो टेम्परेचर ले रहे हैं वो केल्विन में हो जाएगा, तो ये जूल पर केल्विन आसानी से आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे केजी इसलिए ऐड हो गया क्योंकि मास भी ऐड हुआ है नीचे, तो जूल पर केजी पर केल्विन। आगे चलते हैं, नेम अ लिक्विड विच हैज़ द हाईएस्ट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। बहुत आसान है, वाटर देखा भी था हमने कितना होता है, 4200 जूल पर केल्विन, ठीक है। हाँ, केजी ध्यान रखिएगा, ये केजी के लिए है, तो जूल पर केजी केल्विन। यहाँ पे अभी हम देख रहे थे ना स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या था, सी डैश इज इक्वल टू क्यू अपॉन एम डेल्टा टी, तो यहाँ पे क्यू के लिए तो जूल आ गया, एम के लिए केजी आ गया और डेल्टा टी के लिए केल्विन आ गया। बहुत आसान है, आप यूनिट कहीं से भी ड्राइव कर सकते हैं। राइट द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इन एसआई यूनिट। वही चीज़ अभी हमने पीछे देखा, एसआई यूनिट में 4200 ही होती है, ठीक है। आगे चलते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, द हीट कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी इज 50 जूल पर केल्विन। देखिए 50 जूल पर केल्विन का मतलब क्या है, मतलब सिंपल है कि 50 जूल हीट एनर्जी देनी पड़ेगी कितना टेम्परेचर में राइज लाने के लिए, एक केल्विन का, यानी एक केल्विन के टेम्परेचर में अगर आप राइज लाना चाहते हैं किसी बॉडी में तो उसको 50 जूल एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है। सिंपल है, ये मतलब हुआ इसका। दूसरा क्वेश्चन है कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ कॉपर इज 0.4 जूल पर ग्राम केल्विन, तो मतलब क्या है, वही मतलब है इसका भी कि अगर आप किसी पर्टिकुलर मास में एक ग्राम ऑफ कॉपर में, यानी जूल पर ग्राम पर केल्विन ऐसे लिख लीजिए, एक ग्राम ऑफ कॉपर का टेम्परेचर एक केल्विन से बढ़ाने के लिए आपको कितनी हीट देनी पड़ेगी, दैट इज 0.4 जूल, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दे रखी है आपको दो बॉडीज की, ठीक है। ए है एक बॉडी, उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है 3.8 जूल पर ग्राम केल्विन। अच्छा, दूसरी बॉडी है आपकी बी, जिसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है 0.4 जूल पर ग्राम केल्विन। बोल रहा है बताइए दोनों में से कौन बहुत अच्छा कंडक्टर होगा हीट का, तो जिसके अंदर टेम्परेचर का राइज जल्दी हो रहा है, यानी कम हीट देने पर ही वो जल्दी राइज कर जा रहा है, इसका मतलब उसके अंदर हीट का कंडक्शन बहुत अच्छा हो रहा है, तो कम हीट किसको दी जा रही है, बस आप ये देख लीजिए। देखिए जीरो एक, दोनों का जो अमाउंट है वो भी सेम लिया जा रहा है, वन ग्राम यहाँ पे भी है, टेम्परेचर में राइज सेम हो रहा है, हाँ सेम हो रहा है। तो फिर अब हम देखेंगे कि अमाउंट ऑफ हीट किसकी कम है, तो बी की कम है, ठीक है। तो बी अच्छा कंडक्टर होगा हीट का, जो जल्दी कम हीट देने पर ही उसका सरफेस टेम्परेचर राइज कर जा रहा है, इसका मतलब उसके अंदर कंडक्शन अच्छा है हो रहा है हीट का, ठीक है, तो बी होगा। आगे चलते हैं, नेम टू फैक्टर्स ऑन विच द हीट एनर्जी लिबरेटेड बाय अ बॉडी ऑन कूलिंग डिपेंड्स। अच्छा, किन किन फैक्टर पर डिपेंड करती है, दो फैक्टर आपको बताने हैं जिसपे हीट एनर्जी कोई बॉडी अगर लिबरेट कर रही है जब उसको कूल किया जा रहा है, तो किस पर डिपेंड कर रही है, एक तो सर्फेस एरिया पर डिपेंड करेगी, सिंपल है, ठीक है, बॉडी का सर्फेस एरिया, ठीक है, और किस पर डिपेंड करेगी, हीट कैपेसिटी पे भी डिपेंड करेगी बॉडी की, कि हीट कैपेसिटी कितनी है बॉडी की, ठीक है। तो बहुत आसान क्वेश्चन था, आगे चलते हैं। कह रहा है नेम टू फैक्टर्स ऑन विच द हीट एनर्जी अब्सॉर्ब्ड बाय द बॉडी डिपेंड्स एंड स्टेट हाउ डज इट डिपेंड ऑन देम, ठीक है। अब्सॉर्प्शन किस पे डिपेंड कर रहा है, अभी हमने देखा था कि रिलीज करना किस पे डिपेंड कर रहा था, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी नेचर ऑफ द मटेरियल भी हम लिख सकते हैं, नेचर ऑफ द मटेरियल पे भी डिपेंड करेगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखिए कि अब नेचर ऑफ द मटेरियल इसलिए डिपेंड करेगा कि उस मटेरियल की हीट कैपेसिटी अलग अलग होगी, तो किसी की हीट कैपेसिटी अगर ज़्यादा है तो उसको ज़्यादा हीट मिली है तब जाके उसका सर टेम्परेचर राइज हुआ है, तो अब वो रिलीज़ करते टाइम भी इस चीज़ का ध्यान रखा जाएगा कि मतलब ये चीज़ आएगी, दैट विल कम इन टू प्ले, कि वो जब रिलीज़ करेगा तो भी वो धीरे धीरे रिलीज़ करिए, वाटर है वो धीरे धीरे ठंडा होगा, ठीक है।
तो यहाँ पे देखिए हीट अब्सॉर्ब जिन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, ऑलमोस्ट हीट रिलीज भी उन्हीं फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। जैसे यहाँ पे देखिए मास ऑफ द बॉडी, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जो कितनी चाहिए होती है किसी सब्सटेंस को, आपको पता है अभी हमने देखा भी था कि जो हीट एनर्जी है वो एम सी डेल्टा टी पे डिपेंड कर रही थी आपकी, एम सी डैश कह सकते हैं इसको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के टर्म में। तो देखिए डायरेक्टली जो हीट एनर्जी है वो किस पे डिपेंड कर रही है, एक तो मास पे डिपेंड कर रही है, ठीक है, दूसरा आपकी डिपेंड कर रही है हीट कैपेसिटी पे। तो हीट कैपेसिटी तो फिर कांस्टेंट मान लेते हैं हर एक सब्सटेंस के लिए, तो नेचर ऑफ द मटेरियल पे भी डिपेंड करती है, ठीक है, क्योंकि अलग अलग मटेरियल की अलग अलग होती है हीट कैपेसिटी आपकी। नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द बॉडी, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सब्सटेंस, ठीक है। अच्छा, राइज इन टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है, यहाँ पे दिख भी रहा है फॉर्मूले में, ये देखिए कि टेम्परेचर में कितना राइज लिया जा रहा है, ये भी ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो तीन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी, जब रिलीज करेगी तब भी इन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी कितना अमाउंट रिलीज हो रहा है, यानी टेम्परेचर में भी कितना डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राइट द एक्सप्रेशन फॉर द हीट एनर्जी क्यू रिसीव्ड बाई एम के जी ऑफ सब्सटेंस ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सी जूल पर के जी केल्विन व्हेन इट इज हीटेड थ्रू डेल्टा डिग्री सेल्सियस। तो बहुत आसान फॉर्मूला है आपका, Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी, ठीक है, आसान था। आगे चलते हैं, सेम अमाउंट ऑफ हीट इज अप्लाइड टू टू लिक्विड्स, दो लिक्विड्स हैं उनको सेम अमाउंट ऑफ हीट दी गई है ए और बी। लिक्विड ए शोज अ ग्रेटर राइज, ठीक है, लिक्विड ए में ज्यादा टेम्परेचर चेंज देखने को मिला, वॉट कैन यू से अबाउट द हीट कैपेसिटी ऑफ ए, कम होगी, ऑब्वियस ही बात है, हीट कैपेसिटी ए की कम होगी तभी तो जल्दी गर्म हो गया वो, उसके अंदर कंडक्शन बहुत अच्छा हो रहा था, तो बहुत कम हीट में ही वो काफी ज्यादा टेम्परेचर में राइज दिखा रहा है, तो हीट कैपेसिटी ए की कम रही होगी। आगे चलते हैं, और पूछ सकता था कि दोनों में से अच्छा कंडक्टर कौन होगा, तो कौन होगा जिसकी हीट कैपेसिटी कम है वो ही अच्छा कंडक्टर होगा। अगला क्वेश्चन है, टू ब्लॉक्स पी एंड क्यू ऑफ डिफरेंट मेटल्स हैविंग देयर मास इन द रेशियो 2:1 आर गिवन सेम अमाउंट ऑफ हीट, देयर टेम्परेचर राइजेस बाय द सेम अमाउंट, कंपेयर देयर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज। बहुत आसान क्वेश्चन है, अगर फॉर्मूला अच्छे से क्लियर है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पूछ रहा है तो देखिए उसका रिलेशन क्या होता है, आपको पता है सी डैश होता है क्यू अपॉन डेल्टा टी, नहीं उसके साथ एम भी रहता है, तो यहाँ पे दे क्या रखा है हमें, हमें मास दे रखा है, इसका मतलब सी जो है वो मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, बस यही निकालना था फॉर्मूले से। अब अगर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो उनके मासेस अगर 2:1 के रेशियो में दे रखे हैं, ठीक है, 2:1 के रेशियो में दे रखे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि मान लेते हैं पहले C1 थी, ठीक है, तो C1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, C1 आ जाएगा 1/2m। अच्छा C2 क्या आ जाएगा, C2 आ जाएगा 1/m। अब आपसे क्या पूछ रहा है, कंपेयर देयर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तो इनकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को कंपेयर करना है आपको, मासेज अगर 2:1 के रेशियो में दे रखे हैं तो आप डिवाइड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका C1 C2। जब आप डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे कि ये आएगा 1/2m 1/m, एम एम कैंसिल हो गया, तो यहाँ से साफ साफ दिख रहा है हमको, ये आ जाएगा आपका 1/2, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1:2, सिंपल है। ऐसे भी डायरेक्टली देख के कर सकते थे आप कि जब दो क्वांटिटीज आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं तो इन्वर्स रिवर्स इफेक्ट दिखता है आपको, कि मास अगर 2:1 के रेशियो में है तो डायरेक्टली रिलेटेड होते तो इनकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज भी 2:1 के रेशियो में आ जाती हैं, लेकिन इन्वर्सली रिलेटेड है तो वो पलट जाएंगी, स्विच हो जाएंगी, 1:2 के रेशियो में आ जाएंगी, तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। आगे चल सकते हैं, What is the principle of method of mixtures? What other name is given to it? Name the law on which this principle is based upon. बहुत आसान है, principle of method of mixture यही कहता है कि जितना hot body heat energy lose करेगी उतना ही heat energy cold body gain कर लेगी, और कहीं से नहीं आएगा। यहाँ पे हम ये मान के चलते हैं कि law of conservation यहाँ पे apply हो रहा है, ठीक है, आइडियल कंडीशन मान के चल रहे हैं कि यहाँ पे ना ही सराउंडिंग से कोई हीट का लेन देन हो रहा है, ठीक है, ना ही सराउंडिंग से आप कोई हीट ले रहे हैं और ना ही दे रहे हैं सराउंडिंग में कोई हीट, ठीक है, तो ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है जिसका सराउंडिंग से कोई लेना देना नहीं है, तो ये मान के चलते हैं तभी हम बोल सकते हैं कि एक बॉडी ने जितनी हीट एनर्जी लूज की है दूसरा उतनी गेन करेगा, कोई लॉस किसी तरह का और कोई लॉस वहां पे नहीं मिलेगा, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन यहां पे फॉलो हो रहा है, हम ये मान के चल रहे हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अच्छा, ये इसका नाम क्या है, वही यहां पे लिखा भी हुआ है, किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है, सिंपल। आगे चलते हैं, अ मास m1 ऑफ अ सब्सटेंस ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी c1 एट टेम्परेचर t1 इज मिक्स्ड विद अ मास m2 ऑफ अनदर सब्सटेंस ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी c2 एट अ लोअर टेम्परेचर t2, डिड्यूस द एक्सप्रेशन फॉर द टेम्परेचर t ऑफ द मिक्सचर। देखिए इसको बहुत अच्छे से समझते हैं, दो बीकर ले लेते हैं हम, दो कंटेनर ले लेते हैं, ठीक है, दो कंटेनर हम ले लेते हैं, और इसमें आपको देख रहा है कि एक आपका हमने एक यहाँ पर ले लेते हैं, ठीक है, एक सब्सटेंस ये था और इसके बारे में हमें दे रखा है कि इसका मास m1 है, इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी c1 है और टेम्परेचर t1 है। दूसरा सब्सटेंस ले लिया हमने, ठीक है, ये,
अच्छा, इसके बारे में क्या दे रखा है कि मास m2 है और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी c2 है और टेम्परेचर t2 है। इसको मिक्स किया गया है, एक थर्ड सब्सटेंस बना दिया गया मिक्स करके, ठीक है। दोनों को मान लेते हैं, हमने यहाँ पे लेके मिक्स किया। अच्छा, जब मिक्स किया हमने तो क्या हुआ कि मास, जब देखिए जब मिक्स करेंगे आप तो यहाँ पे वही प्रिंसिपल लागू होगा कि हीट लॉस्ट बाय द हॉट बॉडी विल बी इक्वल टू हीट गेन बाय द कोल्ड बॉडी। तो इस बॉडी ने कितनी हीट लूज की है तो वो हम कैसे निकालते हैं, क्यू कितना होगा यहाँ से एम सी डेल्टा टी, तो एम वन सी वन और टेम्परेचर में अगर मान लेते हैं फाइनल टेम्परेचर जो आया इस बीकर का वो टी है, तो लूज करने वाले का टेम्परेचर ज़्यादा होगा फाइनल टेम्परेचर से, ऑब्वियस ही बात है। तो ये हो जाएगा टी माइनस टी वन, इस बात को ध्यान रखना है बस यहाँ पे। अच्छा, अब इधर आते हैं, जिसने गेन किया उसकी हीट एनर्जी कितनी आएगी, बराबर वो भी होगी क्यू के बराबर ही होगी, तो इसको बराबर करते हैं। ये आएगा क्यू इज इक्वल टू, यहाँ से आएगा एम टू सी टू। अच्छा, टेम्परेचर में चेंज कितना आएगा, तो गेन वाले का टेम्परेचर तो ऑब्वियसली कम रहा होगा, ठीक है। तो जो फाइनल टेम्परेचर आएगा वो गेन वाला जो होगा बॉडी जिसने गेन किया उससे ज़्यादा होगा और जो हॉट बॉडी थी उससे कम होगा, यानी टी जो है वो हमेशा टी टू से बड़ा रहेगा और टी वन से छोटा रहेगा। इस बात को ध्यान रखिएगा कि जो टी है आपका वो हमेशा टी टू से बड़ा होगा, टी टू कोल्ड बॉडी थी, ठीक है, और जो हॉट बॉडी है उससे छोटा रहेगा। तो अब जब आप इसका टेम्परेचर डिफरेंस निकाल रहे होंगे तो इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा आपको। तो यहां पे आपको टी माइनस टी टू करना है, ना कि टी टू माइनस टी। ये बस, अब आप इन दोनों को इक्वेट कर देंगे आंसर आ जाएगा। तो इन दोनों को जब आप इक्वेट करते हैं तो आपको यही इक्वेशन मिलती है, देखिए कैसे भाई, एम वन सी वन और ये आपका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एम वन सी वन टी और यहाँ आ जाएगा माइनस एम वन सी वन टी वन, दैट विल बी इक्वल टू कितना दे देगा हमें ये, एम टू सी टू टी माइनस एम टू सी टू टी टू, ठीक है। अब इसको आप रीअरेंज करेंगे तो आपको यही मिल जाएगा टी की वैल्यू, ठीक है। टी वाले टर्म को एक पास कर लीजिए और रीअरेंज कर लीजिए, आसान है। बेसिकली ये कॉन्सेप्ट था जो हमने आपको बताया कि ऐसे ही निकालना है आपको, न्यूमेरिकल में भी इसी तरह से करना है, ठीक है। फॉर्मूले को मत रटिए, कॉन्सेप्ट को समझिए, सारे न्यूमेरिकल आसानी से हो जाएंगे। आगे चलते हैं, वाई डू द फार्मर्स फिल देयर फील्ड्स विद वाटर ऑन अ कोल्ड विंटर नाइट। देखिए, वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज़्यादा होती है, वाटर को क्यों डाला जाता है, जब कोल्ड विंटर नाइट है तो वहाँ पे फ्रॉस्ट हो रहा है, ओले गिर रहे हैं, ठीक है, बर्फ गिर सकती है, तो अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम हो गया तो क्या होगा उसकी वजह से, उसकी वजह से अगर जीरो के नीचे चला गया जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, तो वो जो कैपिलरीज होती हैं प्लांट की वो फ्रीज कर जाएंगी, ठीक है। और कैपिलरीज प्लांट की अगर फ्रीज कर जाएंगी तो वो फिर आपको पता है जब फ्रीजिंग होगा तो वो वॉल्यूम बढ़ेगा और वो बर्स्ट कर जाएंगी, तो वो वॉल्यूम बढ़ने की वजह से तो अब प्लांट्स जो है वो डाई आउट हो जाएंगे, सारी क्रॉप जो है वो बर्बाद हो जाएंगी। इससे बचाने के लिए क्या किया जाता है कि भाई वो टेम्परेचर इतना ज़्यादा कम ना हो सके कि वो फिर वहाँ पे फ्रीज कर जाए और वॉल्यूम बढ़ जाए, तो उसके लिए हम फील्ड में पानी भर देते हैं। अच्छा, पानी भरने से फ़ायदा क्या होगा, पानी भरने से ये फ़ायदा होगा कि वो जो एक्सेस अमाउंट ऑफ पानी के पास पानी भी, भाई जब आप पानी भरेंगे वहाँ पे तो जो टेम्परेचर कम हो रहा है, गिर रहा है, वो पानी के ऊपर भी असर डालेगा, यानी पानी का भी टेम्परेचर कम होना स्टार्ट होगा। अब पानी को टेम्परेचर कम करने के लिए अपना अपने अंदर की जो हीट एनर्जी उसको रिलीज करना पड़ेगा, यानी कितनी हीट एनर्जी रिलीज करना पड़ेगा, आपको पता है जितनी हीट कैपेसिटी होगी पानी की उतनी ही हीट एनर्जी हर एक केजी ऑफ वाटर के लिए 4200 जूल पर केजी केल्विन होता है ना, एक केल्विन का एक डिग्री का राइज अगर आप करना चाहते हैं तो इतनी हीट एनर्जी देनी पड़ेगी आपको। कितनी देनी पड़ेगी पानी को, पानी को देनी पड़ेगी आपको 4200 जूल एनर्जी अगर आप एक किलो पानी का टेम्परेचर एक डिग्री से बढ़ाना चाहते हैं। अच्छा, एक किलो पानी का टेम्परेचर एक डिग्री से कम करना चाहते हैं तो आपको पानी से इतनी हीट निकालनी भी पड़ेगी, रिलीज करवानी पड़ेगी। तो आप सोचिए, अगर पानी को वहाँ इसलिए भर देते हैं कि उसकी हीट कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा है, तो पानी का टेम्परेचर जब ड्रॉप होगा तो हर एक डिग्री का ड्रॉप हर एक केजी वाटर से इतनी हीट लिबरेट करेगा। अच्छा, जब वो हीट लिबरेट होगी तो सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। वो हीट कहाँ जाएगी, सराउंडिंग में जाएगी। वो सराउंडिंग में है क्या, वहाँ क्रॉप्स हैं, तो क्रॉप का टेम्परेचर, क्रॉप बहुत ज़्यादा गिरने नहीं पाएगा, उसको बचाएगा कौन, वाटर, क्योंकि जो एक्सेस अमाउंट ऑफ कूलिंग है वो सारी कहाँ हो रही है, वो पानी की हो रही है। पानी अपने टेम्परेचर को कम करने में इतनी ज़्यादा हीट लिबरेट कर रहा है कि सराउंडिंग का टेम्परेचर उतना गिर नहीं पाएगा जितना नॉर्मली अगर पानी नहीं होता तो गिर जाता, ठीक है। तो वहाँ पे हम इस तरह से, अब पानी ने यहाँ पे कैसे हमारी मदद की, क्योंकि वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इतनी हाई होती है कि वो एक डिग्री का राइज, एक डिग्री का ड्रॉप करने के लिए उसको इतनी हीट रिलीज करनी पड़ रही है। तो जितना ज़्यादा ज़्यादा पानी आप वहाँ भर देंगे उतना ज़्यादा हीट एनर्जी लिबरेट होती चली जाएगी, तो वो इस तरह से क्रॉप्स को बचाया जा सकता है, ठीक है, एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशंस में।
आगे चलते हैं. डिस्कस द रोल ऑफ हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर विद रेफरेंस टू द क्लाइमेट इन कोस्टल एरियाज. बहुत आसान है. आपको पता है कोस्टल एरियाज में क्लाइमेट क्यों अच्छा रहता है? उसका रीजन सिंपल यही है कि आपको पता है जो कोस्टल एरियाज में यही होता है कि लैंड है एक साइड पे, ठीक है, कोस्टल एरियाज में एक साइड पे लैंड है आपकी और दूसरी साइड पे आपका ये सब वाटर है, ठीक है. अब यहाँ पे क्या होता है कि जैसे सुबह सूरज निकला, अब सूरज निकला तो सूरज की जो रोशनी है या हीट है वो दोनों पर सेम अमाउंट में पड़ रही है, मतलब पानी पे भी पड़ रही है, समंदर पे भी पड़ रही है और वो आपका ज़मीन पे भी पड़ रही है. तो आपको पता है ग्राउंड की जो या जो अर्थ है उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी काफ़ी कम होती है तो वो जल्दी गर्म हो जाती है. अब वो जल्दी गर्म हो जाएगी तो उसके ऊपर की जो एयर है वो भी हीटअप होके हल्की हो जाती है, वो ऊपर उठ जाती है. तो एयर जब ऊपर उठ जाती है तो यहाँ पे लो प्रेशर एरिया बन जाता है. अच्छा, उधर क्या हो रहा है यानी पानी के ऊपर क्या हो रहा है? अभी भी हाई प्रेशर है. क्यों? क्योंकि पानी इतनी जल्दी गर्म नहीं होगा क्योंकि इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा है. पानी को एक डिग्री का राइज दिखाने के लिए एक केजी ऑफ वाटर को 4200 जूल चाहिए, कितना सारा पानी है, तो बहुत ज़्यादा हीट चाहिए उसको गर्म होने के लिए. तो अभी उसका पेट जल्दी नहीं भरेगा, हीट लेता जाएगा वो, तो पानी गर्म नहीं होगा जल्दी. तो पानी के ऊपर जो हाई प्रेशर एरिया है वो बना रहेगा यानी वहाँ की एयर हल्की होकर ऊपर नहीं जाएगी, वो वहीं बनी रहेगी. अब क्या होता है कि जब लैंड के ऊपर एयर का काफी प्रेशर कम हो चुका है तो हवाएं कहां से कहां चलेंगी? जहां पे हाई प्रेशर होता है वहां से लो की तरफ चलती हैं. तो समंदर के ऊपर हाई प्रेशर है तो हाई से लो की तरफ हवाएं चलने लगती हैं, ठीक है. तो इनको कहा जाता है सी ब्रीज. जो सुबह के टाइम पे हवाएं चलती हैं उनको सी ब्रीज बोला जाता है क्योंकि सी से लैंड की तरफ चल रही हैं. अब यही चीज नाइट में रिवर्स हो जाती है. कैसे? कि रात जैसे ही शाम होगी तो पूरा दिन सूरज की गर्मी से पानी गर्म होते 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 अल्टीमेटली वो गर्म हो जाता है, ठीक है. गर्म हो गया, अब क्या हो रहा है उसके ऊपर लो प्रेशर एरिया बनना शुरू हो गया क्योंकि हवाएं गर्म हो गई, ऊपर उठ गई हैं, वहाँ पे हवा का प्रेशर काफ़ी कम है. अच्छा, आपको पता है कि ज़मीन की हीट कैपेसिटी कम है तो वो जल्दी गर्म भी हो रहा है और जैसे ही आप हीट हटा लेंगे वैसे ही वो ठंडा भी होना लगेगा. तो ज़मीन जल्दी ठंडी हो जाती है, तो जल्दी ठंडी हो जाएगी तो फिर से वहाँ पे हाई प्रेशर एरिया बन जाएगा. अब हवाएं चलेंगी लैंड टू सी, ठीक है. लैंड जल्दी गर्म हुआ था, अब जल्दी ठंडा हो गया, तो अब यहाँ पे हवा का प्रेशर ज़्यादा है तो वो सी के ऊपर जो वैक्यूम बन गया है उसको फिल करने के लिए हवाएं इधर से इधर चलेंगी लैंड टू सी. इनको कहा जाता है लैंड ब्रीज जो नाइट में चलती हैं. तो सुबह शाम वहाँ पे पूरा दिन हवाएं इस तरह से चलती रहती हैं, इसलिए कोस्टल एरियाज का जो मौसम है वो काफ़ी अच्छा रहता है, क्लाइमेट काफ़ी अच्छा रहता है. तो उसके लिए ये हीट कैपेसिटी यानी वाटर की हीट कैपेसिटी अगर ज़्यादा नहीं होती तो कहीं ना कहीं ये चीज़ पॉसिबल नहीं थी. तो इसी चीज़ को यहाँ पर पूरा आपको समझाया गया है. क्लियर है, इसको आप पढ़ लीजिएगा. आगे चलते हैं हम लोग. यानी वाटर की जो हीट कैपेसिटी है वो लैंड के कंपैरिजन में यहाँ लिखा भी हुआ है 5 times होती है, ठीक है. तो उसको 5 times ज़्यादा टाइम लगेगा उतने ही अमाउंट ऑफ वाटर को गर्म होने के लिए, ठीक है, उसके लैंड के कंपैरिजन में. आगे चलते हैं. पूछ रहा है वाटर इज यूज इन हॉट वाटर बॉटल्स फॉर फर्मेंटेशन, गिव अ रीजन. फर्मेंटेशन के लिए यूज किया जाता है उसका रीजन दीजिए. भाई सिंपल है, फर्मेंटेशन का मतलब क्या है? मतलब सिकाई के लिए जो हम यूज करते हैं तो वो सिकाई में क्यों यूज करते हैं? क्योंकि वही स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा होती है, ज्यादा देर तक गर्म होगा, गर्म रहेगा पानी, ठीक है. वो पानी के को ठंडा होने के लिए 1 gram को भी 1 degree का ड्रॉप दिखाने के लिए 4.2 joule हीट चाहिए होती है. तो काफी देर तक पानी गर्म रहता है इसलिए फिर हम उसको सिकाई वगैरह के लिए यूज करते हैं लॉन्ग टाइम तक. वॉट प्रॉपर्टी ऑफ वाटर मेक्स इट एन इफेक्टिव कूलेंट. वही प्रॉपर्टी है वाटर की कि वाटर जो अच्छा कूलेंट क्यों है? वही हीट कैपेसिटी ज़्यादा होने की वजह से, ठीक है. आपको बताया जो गाड़ियाँ होती हैं उसके रेडिएटर में भी हम डालते हैं. क्यों? क्योंकि वो रेडिएटर से हीट ले लेगा, खुद ज़्यादा जल्दी गर्म नहीं हो पाएगा, ज़्यादा हीट को वो सराउंडिंग की ले लेता है फिर भी उसके अंदर बहुत ज़्यादा राइज नहीं देखने को मिलता है. यही एक क्वालिटी है क्योंकि ज़्यादा हीट चाहिए उसको. वो 4200 अमाउंट ऑफ हीट उस लेगा लेकिन अपने अंदर सिर्फ एक डिग्री का राइज दिखाएगा और वो भी सिर्फ 1 kg वाटर, ठीक है. जितना ज़्यादा पानी आप डालते जा रहे हैं इसका मतलब और ज़्यादा वो सराउंडिंग की हीट को अब्जॉर्ब करता चला जाता है ड्यू टू इट्स हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. आगे चलते हैं. गिव वन एग्जाम्पल ईच वेयर हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इज यूज एज अ कूलेंट एंड हीट रिजर्वायर. कूलेंट अभी बताया, रेडिएटर कार में हम यूज़ करते हैं और हीट रिजर्वायर में आप जानते हैं जो बॉटल्स होती हैं या वाइन की बॉटल्स हैं, जूसी बॉटल्स हैं, ठीक है, वहाँ पर यूज़ किया जाता है इसको ताकि वो वहाँ पर फ्रीज ना हो पाए, ठीक है. वो सराउंडिंग का जो कूल एटमोसफियर है वहाँ से वो सारा जो कूलनेस है वो वाटर अपने अंदर ले रहा है और अपने अंदर की हीट को अब्जॉर्ब कर रहा है. तो एक तरह से हीट रिजर्वायर का काम कर रहा है वो, कि जिसके अंदर से हीट लगातार निकल रही है ताकि जो बॉटल्स हैं उनका टेम्परेचर 0 degree या उससे नीचे ना चला जाए ताकि वो फ्रीज होकर फिर वो बस्ट हो जाएंगी क्योंकि वॉल्यूम बढ़ जाएगा वहाँ पे, ठीक है. एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि अ लिक्विड एक्स हैज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हायर देन लिक्विड वाई, ठीक है. एक्स की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो वाई से ज़्यादा है, लिख लेते हैं इसको.
अच्छा, विच लिक्विड इज यूजफुल, किसमें? कूलेंट इन कार रेडिएटर। कार रेडिएटर में कूलेंट के लिए आपको ऐसा लिक्विड चाहिए जिसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा हो, हाई हो। तो किसकी ज्यादा है? एक्स की ज्यादा है, तो एक्स चाहिए होगा वहां पे हमें। फिर बोल रहे हैं हीट रिजर्वायर। हीट रिजर्वायर भी हमने पीछे देखा है, हीट रिजर्वायर में वो जो कि सराउंडिंग की कूलनेस को ले ले और अपने अंदर की हीट निकाले और लॉन्ग टाइम तक ऐसा करता रहे, तो वो कौन होगा? जिसकी हीट कैपेसिटी ज्यादा होगी। तो दोनों ही ऑप्शन में हीट कैपेसिटी जिसकी ज्यादा है वही हमारे लिए रिक्वायरमेंट होगी। दोनों में एक्स हो जाएगा आंसर आपका। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपसे, व्हाट इज अ कैलोरी मीटर? कैलोरी मीटर क्या है? देख चुके हैं हम लोग, कैलोरी मीटर एक ऐसी डिवाइस है जो कि आपको हीट को मेजर करना सिखा, मतलब हीट का मेजरमेंट देती है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि नेम द मटीरियल विच इज मेड अप ऑफ, गिव टू रीजंस फॉर यूजिंग द मटीरियल स्टेटेड बाय यू। यहाँ पे क्वेश्चन शायद मिसिंग है, कौन से मटीरियल की बात कर रहे हैं ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आउट ऑफ द थ्री मटीरियल्स ए बी सी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 900, 380 और 460, विच विल यू प्रिफर फॉर कैलोरी मीटर? देखिए कैलोरी मीटर के लिए आप कितनी हीट कैपेसिटी का मटेरियल, कॉपर लगाते हैं नॉर्मली उसमें। देखिए कैलोरी मीटर में जो मटेरियल लगा होगा हम ऐसा चाहते हैं कि वो, जब आप देखिए कोई भी सब्सटेंस को कैलोरी मीटर में आप डालेंगे उसकी हीट को मेजर करने के लिए चेंज कितना आया, तो आप नहीं चाहेंगे कि आपका कैलोरी मीटर जिस मटेरियल का बना है वो भी अच्छी खासी हीट ले ले वहां से, तो फिर वो जो मेजरमेंट है उसमें एरर आ जाएगा। तो आप ये चाहते हैं कि कैलोरी मीटर में जो भी सब्सटेंस लगा हो उसकी हीट कैपेसिटी बहुत कम होनी चाहिए, यानी उसके अंदर जब टेम्परेचर का राइज आना भी हो तो इतना कम अमाउंट ऑफ हीट वो ले, जैसे वाटर अगर आप डाल रहे हैं तो वाटर से कॉपर कितना हीट लेनी होती है, कॉपर को एक डिग्री का राइज दिखाने के लिए कॉपर वाटर से कितना हीट चाहिए आपको, 390 जूल चाहिए, और वाटर का के पास आपको पता है 4200 जूल है। तो कॉपर का अगर 1 केजी 390 जूल हीट ले भी लेगा तो वो तो 1/10 भी नहीं हुआ, तो क्या इतनी हीट देने के बाद भी कॉपर का वाटर का टेम्परेचर ड्रॉप होगा? नहीं होगा, क्योंकि वाटर का टेम्परेचर ड्रॉप होने के लिए, एक डिग्री ड्रॉप होने के लिए कम से कम 4200 जूल एनर्जी जो है वो आपको निकालनी पड़ेगी या बढ़ाने के लिए देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे अगर वो बर्तन अगर कॉपर का बना है और वो 390 जूल ले भी ले रहा है एक डिग्री के राइज दिखाने के लिए, या उससे ज़्यादा भी ले रहा है, तो जब तक वो 4200 से कम है तब तक वो वाटर के अंदर कोई आपको राइज या फॉल देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए हम चाहते हैं कि जो कैलोरी मीटर है उसका जो सब्सटेंस है या उसकी जो मटेरियल है वो ऐसा हो जो बहुत लो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी रखता हो, ठीक है, जो अपने अंदर टेम्परेचर का राइज बहुत कम हीट लेने पर ही दिखा दे। तो यहाँ पे देखिए तीन आपको दे रखे हैं ऑप्शन में, तो ऑब्वियस ही बात है सबसे कम किसकी है, 380 की है, तो आप 380 जूल पर केजी वाला मटेरियल लेंगे, और इसी के अराउंड कॉपर की भी 390 के अराउंड ही होती है, तो इसीलिए हम कॉपर को यूज़ करते हैं। भी क्वेश्चन आता है कॉपर को क्यों यूज़ करते हैं, इसीलिए ताकि वो मेजरमेंट में कोई एरर ना मिले हमको, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाउ इज़ द लॉस ऑफ हीट ड्यू टू रेडिएशन मिनिमाइज्ड इन कैलोरी मीटर? ठीक है, रेडिएशन से मिनिमाइज करने के लिए हम उसको पूरा आइसोलेट कर देते हैं, उसके अंदर बहुत सारा ऐसा सब्सटेंस है, जैसे वूलन सब्सटेंस भर दिया हमने उसके अंदर लगा दिया, इस तरह का सब्सटेंस लगा देते हैं जो बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, ताकि फिर वो सराउंडिंग से रेडिएशन के थ्रू भी हीट ट्रांसफर ना हो सके, ठीक है। ऐसी चीज़ें हम उसके अंदर भर देते हैं, जैसे वूलन मटीरियल हो गया इस टाइप से, तो वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं ये सारे, तो इससे हम मिनिमाइज कर सकते हैं। आगे चलते हैं, यहाँ पे शायद लिखा हुआ भी है, कैलोरी मीटर इज अ सिलेंड्रिकल वेसल यूज टू मेजर द अमाउंट ऑफ हीट गेंड लॉस्ट बाय द बॉडी। अभी हम देख चुके हैं आउटर और इनर सरफेस वेसल का, उनको पॉलिश कर देते हैं ताकि हीट लॉस को रेडिएशन के थ्रू रोका जा सके, ठीक है, उसको पॉलिश भी कर दिया जाता है। दूसरा ये कि कॉपर शीट का क्यों बनाया जाता है, अभी हमने पीछे बताया कॉपर अच्छा कंडक्टर है हीट का, तो वो अपने टेम्परेचर में राइज दिखाने के लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर नहीं करता है, डिमांड नहीं करता है, बहुत कम हीट में ही टेम्परेचर में राइज दिख जाएगा 390 जैसे हमने देखा, तो क्यों? क्योंकि उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम होती है, ठीक है, तो इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं ताकि हमें जो कंटेंट आप डाल रहे हैं, जिस कंटेंट की हीट एनर्जी आपको पता करनी है कैलोरी मीटर से, उस कंटेंट के टेम्परेचर में कोई चेंज ना आए, ठीक है। अगर कोई मान लेते हैं कॉपर कुछ ले भी ले रहा है तो उस कंटेंट पे उतना ज़्यादा असर ना दिखे आपको। Why is the base of cooking pan made thick and heavy? Obvious ही बात है, अगर आप उसको बेस को मोटा बनाएंगे तो थर्मल कैपेसिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी, तो सफिशियंट हीट एनर्जी काफ़ी कम टेम्परेचर पर ये फूड को देता रहता है। अगर आप उसको मोटा बना रहे हैं तो मास को बढ़ा रहे हैं आप, तो मास को बढ़ा रहे हैं तो क्या हो रहा है, देखिए मास जो है वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हीट एनर्जी गिवन के।
तो यहाँ से आपको पता चल रहा है कि जो हीट एनर्जी है वो आपके फूड को सफिशिएंट अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी मिलती चली जाएगी, ठीक है, अगर आप मास बढ़ाते चले जाएंगे क्यों ज़्यादा हीट एनर्जी लेगा। सबसे पहला न्यूमेरिकल है, बाय इम्पार्टिंग हीट टू अ बॉडी इट्स टेम्परेचर राइजेज बाय 15 डिग्री, व्हाट इज द करस्पॉन्डिंग राइज इन टेम्परेचर ऑन द केल्विन स्केल, सेम होगा। टेम्परेचर में चेंज केल्विन और डिग्री में नहीं बदलता है, ध्यान रखिएगा। किसी भी दो बॉडी में अगर एक डिग्री का राइज करा रहे हैं आप, तो सेम राइज अगर आप केल्विन में कराएंगे तो वो दोनों सेम होगा, बराबर होगा, ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, जैसे ए है, तो ए आपका 27 डिग्री पे था, ठीक है। अब ए को आपने टेम्परेचर बढ़ाया और अब दोबारा वो हो गया, ए से बी बन गया, ये ए ही है, मान लेते हैं टेम्परेचर हमने बढ़ा दिया उसका, वो 30 डिग्री हो गया। अब इसको केल्विन में भी डिफरेंस निकालेंगे तो सेम आना है, कोई डिफरेंस चेंज नहीं होगा। तो ये 3 डिग्री का राइज यहाँ पे दिखा रहा है और केल्विन में भी राइज आपको 3 केल्विन का ही दिखाएगा, कहने का मतलब ये है, ठीक है। आगे चलते हैं, कैलकुलेट द हीट कैपेसिटी ऑफ अ कॉपर वेसल ऑफ मास 150 ग्राम इफ द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ कॉपर इज 410 जूल पर केजी पर केल्विन, ठीक है। हीट कैपेसिटी निकालनी है, हमने हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला देखा है, ठीक है। हीट कैपेसिटी क्या होता है, क्यू इज इक्वल टू एम, एम नहीं होगा यहाँ पे, ध्यान रखना है, क्यू किसके बराबर हो जाएगा, सी डेल्टा टी के, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या दे रखा है हमें, इस हीट कैपेसिटी 410 दे रखी है, बल्कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दे रखी है, तो हमें एम यहाँ पे लेना पड़ेगा, ठीक है। तो एम सी डेल्टा टी हो जाएगा, तो ये 410 है और मास है 150 ग्राम। अब देखिए, ध्यान रखिएगा, ये केजी पर केल्विन में दे रखी है, तो आपको मास को केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जिस यूनिट में आपकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दे रखी होगी उसी यूनिट में आपको मास को चेंज करना पड़ेगा, तो मास आ जाएगा आपका 150 डिवाइडेड बाई 1000। हीट कैपेसिटी ऑफ द कॉपर वेसल पूछ रहा है, कॉपर वेसल की हीट कैपेसिटी आपको निकालनी है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दे रखी है। अच्छा, तो हम फार्मूला डालते हैं, डायरेक्ट फार्मूला लगा देंगे। डायरेक्ट फार्मूला क्या होता है, हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू सी डैश यानी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इनटू मास ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो हीट कैपेसिटी निकालनी, सीधे मल्टीप्लाई करिए 410 इनटू 150 डिवाइडेड बाई 1000, तो 20 ये कैंसिल हो गए आपके, इसको कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 61.5, ये देखिए आंसर आ गया, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है, हाउ मच हीट एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द वेसल इन पार्ट, पहले पार्ट में ही, कि अगर आपको हीट एनर्जी, अगर आप 10 डिग्री का राइज दिखाना चाह रहे हैं, देखिए यहाँ पे राइज कितना है, 10 डिग्री का, 25 से 35, 10 डिग्री का राइज दिखाना चाह रहे हैं, तो आपको कितनी हीट एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है। तो सिंपल है, एक डिग्री के राइज के लिए आपको 61.5 देनी पड़ रही है ना, हीट कैपेसिटी हमने निकाली है ना, एक डिग्री के राइज के लिए 61.5 है। अच्छा, 10 डिग्री के राइज के लिए, भाई एक डिग्री है, एक केल्विन बराबर होता है, तो 10 डिग्री का राइज है तो 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए, कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन है, ऐसे भी कर सकते हैं, बाकी फॉर्मूला तो है ही, आपके पास फॉर्मूला भी लगाइए, थोड़ा लॉजिक कॉमन सेंस लगाएंगे तो और जल्दी हो जाएगा, तो 615 जूल आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, अ पीस ऑफ आयरन ऑफ मास 2 केजी हैज अ हीट कैपेसिटी ऑफ 966 जूल पर केल्विन, फाइंड हीट एनर्जी नीडेड टू वार्म इट बाय 15 डिग्री, 15 डिग्री का चेंज दे रखा है आपको, ठीक है। और क्या है, हीट कैपेसिटी दे रखी है, मास भी दे रखा है, तो हीट एनर्जी निकालनी है आपको, कि इसको कितना हम वार्म करें कि उतनी हीट आपको इसको वार्म करने में देनी पड़ेगी, जाहिर बात देनी पड़ेगी। तो क्यू इज इक्वल टू आपका फॉर्मूला होगा एम सी डेल्टा टी, तो ये आ जाएगा, मास आपको कितना दे रखा है, 2, ठीक है। हीट कैपेसिटी आपको दे रखी है 966 मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा टी, कितना दे रखा है आपको, 15, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, आंसर आ जाएगा, आपको दिख भी रहा है, 15 टू द 30, और ये कितना आ जाएगा आंसर आपके पास, 30 इंटू 966, तो मल्टीप्लाई करते हैं तो ये तो 18, अच्छा हीट एनर्जी की बात कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे हमारा आंसर आ रहा है 28980, तो ये आ रहा है 2 ग्राम के लिए, है ना, पर केजी के लिए अगर आप निकालेंगे तो 2 से डिवाइड कर दीजिए आप, तो ये आंसर आ जाएगा आपका 14490, तो ये आंसर मैच कर जाएगा, सिंपल है। अगला है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एन एसआई यूनिट में निकालनी है आपको, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एसआई यूनिट में निकालनी है, कैसे निकाल सकते हैं, बहुत आसान है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एसआई यूनिट में कितनी हो जाएगी आपकी, देखिए हीट एनर्जी आपने निकाल ली है, इसी हीट एनर्जी को यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। इज इक्वल टू एम तो आपको दे ही रखा है, 2 के जी मल्टीप्लाइड बाई सी इंटू डेल्टा टी 15 है, तो ये हो जाएगा डिवाइडेड बाई 30, तो ये आप करेंगे तो कितना आ जाएगा, और 38, ये देखिए 483 जूल
पर केजी केल्विन, ठीक है, सिंपल है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 100 ग्राम ऑफ कॉपर फ्रॉम 20 डिग्री टू 70 डिग्री। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कॉपर की दे रखी है 390 जूल पर केल्विन पर केजी, ठीक है, जूल पर केल्विन केजी, ठीक है, ये दे रखी है हमें। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 100 ग्राम ऑफ कॉपर फ्रॉम 22। अब यहाँ पे देखिए आपको क्या दे रखा है, डेल्टा टी दे रखा है। डेल्टा टी कितना होगा, 70 माइनस 20 करेंगे तो आ जाएगा आपका 50 डिग्री। और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आपको दे रखी है जो कि है 390 जूल पर केजी केल्विन। अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी पूछ रहा है आपसे, तो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी पूछ रहा है तो निकाल लीजिए क्यू इज इक्वल टू, फॉर्मूला है आपका एमसी डेल्टा टी, ठीक है। 100 ग्राम आपको पहले ही दे रखा है यहाँ पे, ये अब आप केजी पर केल्विन में है तो आपको 100 ग्राम को चेंज करना पड़ेगा और ये आ जाएगा 390 और ये 50, तो ये आपके जीरो कैंसिल हो गए, ये आ जाएगा 5 9 45, 5 3 15 एंड 5 4 45 का 5 होगा यहाँ पे, 5 3 15 और 4 आपका हो जाएगा 19, सिंपल है जूल। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1300 जूल ऑफ हीट एनर्जी इज सप्लाइड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 0.5 केजी ऑफ लेड फ्रॉम 20 टू 40। कितना है डेल्टा टी आपको दे रखा है 20 डिग्री, ठीक है। कैलकुलेट द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पूछ रहा है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकालनी है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या होगा आपका, क्यू अपॉन एम डेल्टा टी। डायरेक्ट फॉर्मूले में रखिए, आंसर आ जाएगा 1300 जूल डिवाइडेड बाई ये 20 इंटू डेल्टा टी रख दिया आपने और मास है 0.5 केजी, ठीक है। तो ये कैलकुलेट करेंगे आप तो ये पॉइंट हट जाएगा, 5 2 10 तो 130 आ गया आंसर आपका जूल पर केजी केल्विन, यूनिट मत भूलिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि टाइम पूछ रहा है आपसे। 500 वॉट हीटर है जिसके टेम्परेचर को आपको राइज करना है, मटेरियल भी दे रखा है उसका 50 केजी मटेरियल का, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ये है, टेम्परेचर कहाँ से कहाँ तक बढ़ाना है उसका, 18 से 38 डिग्री बढ़ाना है आपको, ठीक है। तो टाइम पूछ रहा है, टाइम कैसे निकालें, आप जानते हैं वॉट और टाइम में क्या रिलेशन होता है, सिंपल रिलेशन है पी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी। अब W क्या है यहाँ पे, वर्क डन, वर्क डन यहाँ पे कर कौन रहा है, यानी हीट एनर्जी देने लेने में जो काम हो रहा है उसी की बात हो रही है, तो सिंपल है यहाँ पे Q अपॉन T से आप निकाल सकते हैं। ये अप्रोच रखिए, ठीक है, छोटे होकर आइए कि कहाँ से हमें टाइम निकल सकता है, वहाँ पे आ जाते हैं हम। तो टाइम का फॉर्मूला हो जाएगा Q अपॉन P, सिंपल सा। तो Q निकालना पड़ेगा हमें क्योंकि P तो दे रखा है आपको 500 वॉट। Q कैसे निकालेंगे, Q एम सी डेल्टा टी से आएगा, तो M हो गया 50, C हो गया 960 और डेल्टा टी आपका आ रहा है, आपको दिख रहा है राइज है 20 डिग्री का, तो 20 डिग्री का राइज है तो यहाँ पे 20 लिख देंगे हम, सिंपल। तो ये आसान हो गया क्वेश्चन, ये आपके जीरो कैंसिल हो गए, ये 5 से 10 हो गया और ये आ रहा है आपका कितना आएगा, 2 6 12, 2 9 18, 19, कितना ज़ीरो बच रहे हैं ऊपर, सिंगल ज़ीरो है। तो इसको आप 60 से डिवाइड करके मिनट में निकालिए क्योंकि सेकंड में आया था ये सही यूनिट में, तो ये कितना दे देगा आपको, ये 32 मिनट, ठीक है। काफ़ी बड़ा आंसर आ रहा है तो ज़रूरी नहीं है सही यूनिट में आप लिखें, ठीक है, उसको थोड़ा सा छोटा करके भी लिख सकते हैं, गलत वो भी नहीं है। आगे चलते हैं। एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ पावर 600 वॉट रेजेज द टेम्परेचर, अब ये भी सेम क्वेश्चन है, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन आपको दे रखा है कि क्या पूछ रहा है इसमें, हीट कैपेसिटी 4 केजी ऑफ लिक्विड, 4 केजी की हीट कैपेसिटी पूछ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो पहले हीट कैपेसिटी निकाल तो लेते हैं हम, हीट कैपेसिटी कैसे निकालेंगे, बिल्कुल छोटे फॉर्मूले पे आइए, P इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी विच विल गिव अस Q अपॉन टी, ठीक है। यहाँ से अगर हम Q का फॉर्मूला रखते हैं तो Q की इक्वल टू क्या आ जाएगा, P इंटू टी आ जाएगा निकल के आपका, Q होता है एम सी डेल्टा टी, ये हो जाएगा P इंटू टी, तो यहाँ से C का फॉर्मूला बन जाएगा P इंटू टी अपॉन एम अपॉन डेल्टा टी। ये देखिए ये बना लिया हमने, ड्राइव कर लिया फॉर्मूला। अब P की वैल्यू आपको दे रखी है 600 मल्टीप्लाइड बाई टी भी दे रखा है आपको 100 सेकेंड डिवाइडेड बाई एम दे रखा है क्या 4 के जी और राइज कितना हो रहा है 5 डिग्री का 10 से 15 जा रहा है तो 520 हो जाएगा ये तो 20 से कटेंगे 3 आएगा तो हीट कैपेसिटी यहाँ से आ रही है आपकी सही है तो ये तो आ रही है 3000 ठीक है लेकिन 3000 किसका है ये 4 केजी ऑफ लिक्विड पूछ रहा है सही तो आ रही है हीट कैपेसिटी 3000 आना चाहिए था हाँ सही आ रही है 3 इंटू 10 रेस्ट टू द पावर 3
जूल पर केजी केल्विन, ये रहा आपका आंसर। हीट कैपेसिटी ऑफ 4 केजी ऑफ लिक्विड, ठीक है, 4 केजी ऑफ लिक्विड की हीट कैपेसिटी पूछ रहा है। तो 4 केजी, अब यहाँ पे फॉर्मूले में क्या चेंज लाना है हमें, बस इतना सा कि क्यू की जगह आपको सिर्फ अब यहाँ पे क्या रखना है, क्योंकि पूरे की पूछ रहा है, अब आपको स्पेसिफिक नहीं होना है यहाँ पे, तो पूरे की पूछ रहा है, तो वहाँ पे मास हटाइए और सी इंटू डेल्टा टी कर दीजिए सिर्फ, तो पी इंटू टी हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा आपका, पी है आपका 600 मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइडेड बाई 5 हो जाएगा डेल्टा टी, तो ये आ जाएगा आपका, तो ये आ गया 12, कितने जीरो, 30, तो इसको लिख सकते हैं 1.2 इंटू 10^4 जूल पर केल्विन। ठीक है, आसान है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 0.5 केजी ऑफ लेमन स्क्वैश एट 30 डिग्री सेल्सियस इज प्लेस्ड इन अ रेफ्रिजरेटर विच कैन रिमूव हीट एट एन एवरेज रेट ऑफ 30 जूल पर सेकेंड, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कूल द लेमन स्क्वैश टू 5 डिग्री सेल्सियस, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दे रखी है। सिंपल क्वेश्चन है, वैसे ही हमने पीछे कर रखा है, आपको पता है क्यू इज इक्वल टू हो गया पी इंटू टी, पीछे हम करते हुए चले आ रहे हैं, क्यू इज इक्वल टू पी इंटू टी हो गया, निकालना क्या है हमें, कितना टाइम लगेगा, यानी टी की वैल्यू निकालनी है, वो होगी क्यू अपॉन पी, तो रख देते हैं वैल्यू, क्यू क्या रखेंगे, एम सी डेल्टा टी, तो 0.5 के जी मल्टीप्लाइड बाई 30 डिग्री पे है और उसको 5 तक लाना है, देखिए 30 से 5 तक लाना है, यानी कितना आपको गिराना है टेम्परेचर, 25, तो 25 हो गया, डेल्टा टी हो गया 25, और सी दे रखा है कि आपको कैन रिमूव हीट एंड एवरेज रेट, अच्छा रेट दे रखा है, 30 जूल हर सेकेंड में हीट को वो रिमूव कर रहा है, ठीक है, हर सेकेंड में कितना हीट को रिमूव कर रहा है, 30 जूल पर सेकेंड, कह रहा है कितना टाइम लगेगा, यानी एक सेकेंड में अगर वो 30 जूल हीट रिमूव कर रहा है, तो आपको टोटल हीट पहले पता चल जाए तो और आसान हो जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे तो ये वाला कॉन्सेप्ट हम ना भी लगाएं तो भी हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, तो हम क्यू निकाल लेते हैं, खाली क्यू निकालते हैं, तो क्यू आएगा एम सी डेल्टा टी से, तो एम है 0.5 मल्टीप्लाइड बाई सी, पता है क्या हमें, हाँ पता है 4200, और डेल्टा टी कितना है 25 का करना है, तो ये कितना आ जाएगा आंसर हमारे पास, ये हो जाएगा 5 × 420 × 25। अब देखिए इस क्वेश्चन से यह जो दे रखा है कि एक सेकंड में 30 जूल रिमूव हो रहा है, तो हम इसको यूनिटरी मेथड से बहुत आसानी से कर सकते हैं कि 30 जूल रिमूव होने में एक सेकंड लगता है, तो एक जूल में कितना लगेगा, एक जूल में लगेगा 1/30 सेकेंड। अच्छा, जो इतनी हीट हटानी है आपको तो कितना लगेगा, इसको कूल करना है तो इतनी हीट रिलीज करनी है तो कितना लगेगा, तो 1/30 × 5 = 420 × 25, सिंपल है, तो ये हो गया आपका, कितना आंसर आ रहा है 14, है ना, अब फिर मिनट में आ रहा है तो आप इसको 60 से डिवाइड भी कर सकते हैं, ठीक है, तो ये आएगा 12 और 3 का मल्टीपल ऊपर है नहीं, तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 14 × 5 = 70, 14 × 28 = 7, 35 / 12, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 12 × 2 = 24 और 11 × 12 = 9, ठीक है, तो ये 29 min 10 seconds आ जाएगा आपका, ठीक है। तो आसान, मतलब आसान नहीं था, लेकिन फिर भी एक ट्रिकी क्वेश्चन था और आप लॉजिक से कर सकते थे, लॉजिक लगाया गया इसमें, सिर्फ ज़रूरी नहीं है आप हर जगह फार्मूला देखें जाकर, यहाँ पे आपको ये चीज़ इसी तरह से लिख के लगा लेंगे आराम से, हो सकता है कुछ लोग फार्मूले से जाएं, ज़रूरत नहीं है फार्मूले की जाने की। अ मास 200 ग्राम ऑफ सर्टेन मेटल एट 83 डिग्री सेल्सियस इज इमर्स्ड इन 300 ग्राम ऑफ वाटर एट 30 डिग्री सेल्सियस, द फाइनल टेम्परेचर इज 33 डिग्री सेल्सियस, कैलकुलेट द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द मेटल, एज्यूम दैट द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इज 4.2 जूल पर ग्राम पर केल्विन। देखिए क्या निकालना है हमको, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मेटल की निकालनी है। अब यहाँ पे मिक्स किया गया है, आप खुद देखिए, एक मास था 200 ग्राम का, वो था 83 पे था, और उसको इमर्स किया गया है 300 ग्राम ऑफ वाटर में इमर्स किया गया है, और वाटर कितना था 30 डिग्री पे था, और जब इमर्स करने के बाद जो फाइनल टेम्परेचर बन के आ रहा है वो है 33, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आपको मेटल की निकालनी है, यानी जिस मेटल को आपने इमर्स किया है उसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमें नहीं पता है सी, ठीक है, वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमको पता है 4.2 जूल ग्राम पर केल्विन, ठीक है, जूल पर ग्राम पर केल्विन, बहुत आसान है, जितनी हीट इन्होंने लूज़ की होगी उतनी ही हीट इन्होंने गेन की होगी, सिंपल है, तो जितनी हीट इन्होंने लूज़ की होगी, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री लगाएंगे यहाँ पे हम, तो कितनी हीट लूज़ की होगी, ज़रा हम हीट तो निकाल लें पहले, एम सी डेल्टा टी 200
इंटू सी इंटू डेल्टा टी कितना होगा भाई, डिफरेंस देखिए इन दोनों के बीच में 83 माइनस 33 करेंगे तो 50 है, आ रहा है साफ साफ। ये इक्वल हो जाएगा आपका इसकी हीट एनर्जी के, कितना गेन हुआ है, तो कितना गेन हुआ होगा एम सी डेल्टा टी 300 मल्टीप्लाइड बाई कितना हुआ है, देखिए गेन यहाँ पे 3 डिग्री का गेन हो रहा है, 30 से 33 हो गया तो 3 डिग्री का गेन हो रहा है, 3 डिग्री हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाई इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 4.2 आपको दे रखी है। अब क्वेश्चन आसान हो गया है, जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। 20 यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे सी की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 9 × 4.2 डिवाइडेड बाई हो जाएगा आपका 100, ठीक है, तो ये आ जाएगा 9 × 2 = 18, 9 × 4 = 36 × 37 और ये 37 divided by 100 तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.378 जूल पर केजी केल्विन, ठीक है, जो मेटल रहा होगा उसकी ये इतनी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी थी। आसान है ये, आप कॉन्सेप्ट को पकड़ के चलिए, हीट जो लूज़ करेगा उतनी हीट वो गेन करेगा, तो इस तरह से कुछ थोड़ा फिगर बना लेंगे, स्ट्रक्चर बना लेंगे तो ज़्यादा ईजी हो जाएंगे इस तरह के क्वेश्चन, रटिए मत फॉर्मूले को। अगला क्वेश्चन है, 45 ग्राम ऑफ वाटर एट 50 डिग्री इन अ बीकर इज कूल्ड व्हेन 50 ग्राम ऑफ कॉपर एट 18 डिग्री इज एडेड टू इट, द कंटेंट्स आर स्टर्ड टिल अ फाइनल कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इज रीच्ड, कैलकुलेट द फाइनल टेम्परेचर, ठीक है, बहुत आसान है, रख लेते हैं पहले, सॉरी कहाँ चला गया, ये है, देखिए 45 ग्राम आपका वाटर था, उसका टेम्परेचर कितना था 50 था, बीकर में रखा गया है, ठीक है, कूल्ड कब, जब 550 ग्राम ऑफ कॉपर एट 18 डिग्री उसमें ऐड किया गया, तो कॉपर 50 ग्राम पे था और टेम्परेचर था जब ऐड किया गया 18, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है ये ज़्यादा टेम्परेचर है, कम है, ये हाई है लो है, तो इधर से इधर फ्लो होगा, तो कैसे होगा, देखिए इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दे रखी है क्या हमें वाटर की, कॉपर की दे रखी है 0.39 एंड वाटर की भी दे रखी है 4.2, तो पूछ क्या रहे हैं ये हमसे, द कंटेंट्स आर स्टर्ड टिल फाइनल कॉन्स्टेंट फाइनल टेम्परेचर पूछ रहे हैं, फाइनल टेम्परेचर जब इनको मिक्स किया गया तो यहाँ पे टी बना होगा, तो उस फाइनल टेम्परेचर को पूछ रहे हैं, तो आसान है, जितनी हीट ये लूज़ करेंगे उतनी ही हीट कॉपर ने गेन की होगी, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा क्यू इज इक्वल टू आ जाएगा निकल के आपका 45 एम सी डेल्टा टी से निकालते हैं, डेल्टा टी कितना हो जाएगा, अब ये ज़्यादा टेम्परेचर होगा 50 वाला, तो 50 माइनस टी लेंगे हम, ठीक है, और इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 4.2 इक्वल कर देते हैं, तो इक्वल करने पर क्या आ रहा है, इक्वल करने पर आपको मिल रहा है कि ये हो जाएगा आपका 50 और 18, ये 18 कम रहा होगा 18 से, अब बढ़ेगा टेम्परेचर तो टी माइनस 18 ले लेंगे हम, और यहाँ कितना मिलेगा हमें, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है 0.39, बस अब यहीं से हमें सॉल्व कर लेना है, इसको कैलकुलेट कर लेंगे और आपका आंसर आ जाएगा टी इज इक्वल टू 47 डिग्री, तो आसान है, अब इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन है, आप टर्म्स को रीअरेंज करिए और उसका आंसर निकाल दीजिए। देखिए सारी मुश्किल इस इक्वेशन को बनाने तक ही है, तो ये इक्वेशन आपके पास बन गई फिर क्वेश्चन मुश्किल नहीं है। अच्छा एक चीज़ और थी कि एजम्पशन क्या मानना है आपको, एजम्पशन हर जगह यही मानना है इस सारे क्वेश्चन में कि देर विल बी नो लॉस ऑफ हीट, यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ हीट यानी एनर्जी फॉलो हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 200 ग्राम ऑफ हॉट वाटर, ठीक है 200 ग्राम ऑफ हॉट वाटर था और कितने पर था 80 पे था, उसको ऐड किया गया 300 ग्राम ऑफ कोल्ड वाटर, 300 ग्राम ऑफ कोल्ड वाटर था जो कि 10 पे था, फिर नेगलेक्टिंग हीट टेकन बाय द कंटेनर, कंटेनर ने कितनी हीट ले ली उससे आपको मतलब नहीं है, ठीक है, कैलकुलेट द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर ऑफ द वाटर, फाइनल टेम्परेचर यानी यहाँ पे कितना बन के आ रहा है आपको ये लेना है, हीट कैपेसिटी वाटर की दे रखी है दोनों जगह सेम ही लग जाएगी 4200, फिर यहाँ पे इक्वेशन बना लेते हैं, तो यहाँ पे देखिए ये ध्यान रखना है जो ज़्यादा टेम्परेचर वाला है उसको आपको माइनस करना पड़ेगा, तो ये आएगा 200 इंटू डेल्टा टी निकालेंगे यहाँ पे जवाब, तो 80 ने लूज़ किया होगा तो 80 माइनस टी हो जाएगा, फाइनल टेम्परेचर हमेशा 80 से कम आएगा, इंटू हो जाएगा आपका 4200 इक्वल टू हीट गेन बाय द हीट जो गेन करेगा वो होगा m के लिए 300 हो गया, अब अच्छा ये जो 10 है ये कहीं ना कहीं बढ़ेगा अब उससे, तो टी से कम ही आएगा कितना भी बढ़ जाए, तो टी माइनस 10 और इंटू हीट कैपेसिटीज दोनों साइड की कैंसिल हो जाएंगी, तो ये कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा आपका, तो ये कैलकुलेशन आपका निकल के आएगा 160 माइनस 2t इक्वल टू 3t माइनस 30, तो अब उधर ले जाएंगे तो ये आएगा 5t इक्वल टू, ये इधर लाएंगे तो आएगा 190, तो t इज इक्वल टू हो जाएगा ये, ठीक है 5 × 3 = 15, 5 × 8 = 40, आसान क्वेश्चन है, आगे चलते हैं हम लोग।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द टेम्परेचर ऑफ 600 ग्राम ऑफ कोल्ड वाटर राइजेस बाय 15 डिग्री. ठीक है, 600 ग्राम कोल्ड टेम्परेचर मतलब कोल्ड वाटर था, ठीक है, जिसके टेम्परेचर को हमने कितना राइज किया है 15 डिग्री. ठीक है, 15 डिग्री टेम्परेचर बढ़ गया, यानी कैस कितना था इनिशियली नहीं पता, मान लेते हैं टी था. अच्छा, कब बढ़ा, जब 300 ग्राम और जो कि 50 डिग्री पे था उसको जब इसमें ऐड किया गया. ठीक है, तो इसको जब आपने ऐड किया तो इसका टेम्परेचर फाइनली राइज कर गया 15 डिग्री से. तो 15 डिग्री से राइज कर गया, इनिशियली कितना था हमें नहीं पता, लेकिन यहाँ पे जब आपने रखा तो वो टी से राइज कर गया, टी से राइज करके टी प्लस 15 हो गया, यानी टी नहीं रहा, टी से बढ़ गया आपका. तो इनिशियल टेम्परेचर पूछने कितना था, सेम कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे भी लगाना है. ठीक है, वाटर है तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सेम है, ये नेग्लेक्ट हो जाएगी, तो निकाल लेते हैं. तो यहाँ पे आ जाएगा क्यू, क्या आएगा 600 एम सी डेल्टा टी, सी दोनों साइड का कैंसिल हो जाएगा, चाहे तो आप सी ले लीजिए. एम सी डेल्टा टी कितना होगा आपको पता है, किसका टेम्परेचर ज़्यादा है, टेम्परेचर किसका ज़्यादा है, राइज कर रहा है ना, तो ये 50 वाला ज़्यादा होगा, बोल रहे ना राइजेज भाई, तो राइज कर रहा है तो ये छोटा होगा टी, फाइन जो फाइनल टेम्परेचर आया उससे हमेशा छोटा होगा अगर उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो 50 वाला ज़्यादा होगा. तो अब यहाँ पे माइनस करने में ध्यान रखना है, तो ये हो जाएगा टी प्लस 15 माइनस टी. अब इसको आपको इक्वेट करना है. ठीक है, ओके, इसको हम यहाँ लिख लेते हैं, क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा 600. ठीक है, और यहाँ पे जब आप माइनस करेंगे टी प्लस 15 माइनस टी, अब ये जितनी हीट एनर्जी इधर से लूज हुई है उसी के बराबर है ये, तो ये हो जाएगी 300 इंटू, अब यहाँ पे देखिए डेल्टा टी कितना आएगा, डेल्टा टी आएगा आपका यहाँ पे 50 माइनस टी माइनस 15. बस यही चीज़ ध्यान रखनी है, इक्वेशन बन गई, क्वेश्चन लग गया, ये दो जीरो कैंसिल हो गए आपके, 3 2 6 हो गया यहाँ से, तो ये आ जाएगा 2 और टी भी कैंसिल हो जाएंगे, 2 इंटू 15 इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 50 माइनस 15 कितना दे देगा आपको 35 माइनस टी, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 5 डिग्री आंसर हो जाएगा. ठीक है, आसान क्वेश्चन था. नेक्स्ट, 1 केजी ऑफ वाटर इज कंटेन्ड इन अ 1.25 किलो वॉट केटल. ठीक है, कैलकुलेट द टाइम टेकन फॉर द टेम्परेचर ऑफ द वाटर टू राइज फ्रॉम 25 टू इट्स बॉइलिंग पॉइंट 100. बहुत आसान क्वेश्चन है. अब यहाँ पे वॉट भी दे रखा है आपको, तो वही फार्मूला आप लगाएंगे, P इज इक्वल टू W अपॉन T वाला, तो यहाँ पे Q अपॉन T हो जाएगा. टाइम निकालना है तो Q अपॉन P से निकाल लेंगे आप. अब देखिए यहाँ पे Q के लिए आपको क्या दे रखा है, Q आपको निकालना पड़ेगा, एम सी डेल्टा टी से निकाल लेते हैं, तो 1 इंटू कितना टेम्परेचर में चेंज आएगा 75 का. ठीक है, और C आपका 4.2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई वॉट कितना है 1.25 किलो वॉट है, तो इसको आप वॉट में चेंज कर लीजिए, 1000 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, बस आप इसको सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा. फाइनली बस यही इक्वेशन बनाना मुश्किल होता है, ये दो जीरो हट जाएंगे यहाँ से जब आप ये पॉइंट हटाएंगे, तो आप ये 25 से काट सकते हैं, 25 3 25 5. ठीक है, ये 50 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे आपका आंसर आ जाएगा. आगे चलते हैं. ठीक है, तो ये हमने आपके 11A में जितने क्वेश्चंस दे रखे थे ए एक्सरसाइज तक, वो सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं. 11B हम लोग अपने इसके नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे. ठीक है, थैंक यू.